मैंने सोचा था अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, कैबिन क्रू बन गए। नहीं, कैबिन क्रू नहीं बने हम, अभी उससे पहले पढ़ना है कैबिन क्रू बनने के लिए। आपने सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करा है, नाउ यू हैव 3 months ट्रेनिंग। मैंने जो सपने तक भी नहीं सोचा था कि आई हैव टू स्टडी फॉर दिस मेकअप। नो, मेरे साथ ग्लैमर लाइफ है भाई, ट्रैवल करना है बस, शॉपिंग करनी है। नहीं, पर मुझे बहुत पढ़ना पड़ा था गाइस, ये दिस इज अ रियलिटी, यू हैव टू नो दैट। मतलब ये होटल में को ऐसे नहीं मिल जाते, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा। वो भी 100 में से 90 मार्क्स तो पास ही मार्क्स है। जो ये 90 मार्क्स हमारे स्कूल में ना ऐसे भाई बेस्ट टॉपर बंदे को मिलते थे, वो क्या पास मार्क्स है। वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस साइड मानसी यादव विद यू ऑल वंस अगेन। आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग रियली रियली ग्रेट। सो गाइज, आप सोचोगे मैं कहाँ हूँ, मैं हूँ एक लेवर पर। और सो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरा नाम मानसी यादव है, वेलकम टू माई चैनल। एंड आई एम कैबिन क्रू फॉर लास्ट 2 ईयर्स, गोइंग टू बी 3 ईयर्स नाउ। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट विद यू गाइज। और शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। येस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवरीथिंग अबाउट कैबिन क्रू। हाँ जी, सो कैबिन क्रू के बारे में बात करने वाले हैं। और लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज वीडियो गाइज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आई नो आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो अगैन बिकॉज दिस इज अ मेजर रिक्वायरमेंट जो बहुत सारे लोग अभी वापस, यू नो द पीपल आर आस्किंग सेम क्वेश्चन। सो आई थॉट टू मेक दिस वीडियो अगैन सो दैट आप लोग को बेटर नॉलेज और जल्दी आराम से, यू नो यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस वीडियोज। सो मैंने सोचा कि दोबारा से मैं वीडियो बनाती हूँ सो दैट आपको हेल्प करे। सो मैं इसका लेवर में बैठी हूँ तो मैंने कहा लेट्स मेक दिस वीडियो एंड लेट्स अपलोड दिस वीडियो फॉर यू गाइज। तो शुरू करते हैं गाइस, आज ये वीडियो को एंड तक जरूर जरूर देखना सो दैट आपको सारी नॉलेज हो जाए। कैबिन क्रू स्टार्ट कहाँ से होता है, कैसे सोचते हैं, कैसे बनते हैं, क्या करना है, कितनी सैलरी, कहाँ जाना, सब कुछ। ठीक है, सब कुछ सारी चीजें के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, हम शुरू करते हैं फर्स्ट थिंग के बारे में। हमने सोचा हमें कैबिन क्रू बनना है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी वेरी रिलैक्स एंड चिल वीडियो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड तक देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है। हम मैं बैठी हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं है, ठीक है, यही है मैं हूं ना, हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। तो फर्स्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मैं सोचा कि मैं कैबिन क्रू मुझे बनना है, ओके, नाउ यू नीड टू बी, द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज एज के लिए 18 होना जरूरी है, ठीक है। ऐसे नहीं कि 6th में या 10th में, यार नहीं, आज तो मैं कैबिन क्रू बनूंगी, यार इंटरव्यू के लिए जाना है मेरे को, मम्मी आज कैबिन क्रू बनना है मेरे को तो मैं जा रही हूँ, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि 18 ईयर्स रिक्वायरमेंट मिनिमम एज है, ठीक है, 18 साल होना इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोचो 18 साल के हो गए, अरे वाह मैं 18 साल की होगी, मैंने 12th ही नहीं कर रखी यार, मैं कैसे बन जाऊंगी कैबिन क्रू। 12th होना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कि 10th में कर लिया उसके बाद मैं छोड़ दिया, स्कूल छोड़ने के बाद मैं अपने आराम से घर बैठी हूँ, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी 18 हो गई हूँ मैं, 10th करी मैंने, 18 साल की होगी, एम लाइक लेट्स गो फॉर इंटरव्यू, वाओ यार मेरे को 18 साल का, मैं सोच रहा थी नहीं, 12th करना भी इंपॉर्टेंट है, वो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से गाइस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 12th करना इंपॉर्टेंट है। शुरू में अब 12th भी कर लिए, ठीक है, 18 साल की भी हो गई, अरे वाह नेट्स। सो अब नेक्स्ट चीज पे जाए, अब मेरा BMI क्या है यार, अब ये BMI क्या होता है यार, अब BMI के बारे में पूछना पड़ेगा गाइस। BMI इज बॉडी मास इंडेक्स, ज्यादा सोचो मत, मैं हूं ना, टेंशन मत लो, ठीक है। अब BMI के कहते हैं BMI क्या होता है, टेंशन मत लो, मैं हूं, ठीक है। सो BMI का मतलब होता है यार बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स का मतलब होता है हाइट है वो आपके वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता, लोग पूछते कि मैम वेट कितना होना चाहिए, आप ऐसे बता नहीं सकते कि नो 40 ठीक रहेगा यार, 40 रहने दे, चल चल ठीक है 50 कर लेते हैं, बस 50 वेट चल जाएगा तो आज ही, ओके, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको वेट भी इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो हाइट है आपके वेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात आपकी, सो कैलकुलेट कैसे करें, कन्फ्यूजन, चल कन्फ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा जाओ गूगल पे यार, उस पर डालो BMI कैलकुलेटर, जो फर्स्ट ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करो, अपनी हाइट डालो, अपना वेट डालो, उस पर कैलकुलेट करो, उसके साइड में लिखा होगा नॉर्मल कितना होता है, अंडरवेट कितना है और ओवरवेट कितना है। अगर आप ओवरवेट हो तो आपको थोड़ी एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, अगर आप अंडरवेट हो तो थोड़ा सा तो खाना पड़ेगा, ठीक है, खाओ अच्छे से और आपको प्रॉपरली नॉर्मल रेंज में आना पड़ेगा कि जो आपका BMI है, ठीक है, देन यू आर गुड टू गो। अब भी समझ नहीं आया कि कैसे कैलकुलेट करना है, आप यूट्यूब पर जाओ, BMI डालो, BMI बाय मानसी यादव, आपको वीडियो मिल जाएगी, मैंने उसमें करके बताया कैसे कैसे करना है, ठीक है, चल ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते। BMI हो गया नाउ, 18 साल की होगी, 12th हो गई, BMI भी हो गया, सो अब जा रहे हैं हम, अब जाते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे।
अब कम्युनिकेशन कैसे बोलूंगी मैं इंटरव्यू में जाके, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है इंग्लिश, इंग्लिश तो आई, हिंदी भी है, ठीक है? सबको हिंदी और इंग्लिश दोनों आनी चाहिए. जिन लोगों को इंग्लिश आती है बहुत अच्छा, जिनको हिंदी आती है वेरी नाइस, अगर नहीं आती सीख लीजिए. अगर इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश को सीखना जरूरी है. और रही बात इंग्लिश और हिंदी कम्युनिकेशन में, हो गई वाओ यार इंग्लिश में गया हिंदी में हो गया, अब मैं परफेक्ट हूँ यार, मैं पर्सनैलिटी भी बहुत बढ़िया है मेरी, और क्या चाहिए मेरे को बनने के लिए. सो गाइस रही मेकअप की बात, रही बाल कैसे करके जाऊँ यार, मैं कपड़े क्या पहनूँ मैं, चल कपड़ों के लिए, बालों के लिए, मेकअप के लिए मैं हूँ, ठीक है? टेंशन लेने की बात नहीं है. मैंने वीडियो अपलोड करी रिगार्डिंग कैसे क्या कपड़े पहनने हैं इंटरव्यूज के लिए, क्या मेकअप लगाना है, क्या बाल हेयर स्टाइल क्या करना है, सिर्फ डालो मेकअप बाय मानसी यादव, फॉर्मल्स बाय मानसी यादव. आप मानसी यादव डालो, जो वीडियो चाहिए आपको, आपको वीडियोस मिल जाएगी, ठीक है? इजी. सो मैं सारा लुक बताया हुआ, क्या क्या पहन के जा सकते हो, क्या पहन के नहीं जा सकते इंटरव्यू में, कैसा मेकअप करना है और कैसे बाल हेयर स्टाइल करके जाने. ओके, अब आगे बढ़े, अपनी पर्सनैलिटी बना लिया भाई, और यह चाहिए बन गई, मैं नहीं अब इंटरव्यू देने में जाना है, ठीक है? थोड़ा वेट करो. सो गाइस अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, आप इंटरव्यूज के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये मेन बात. अरे मैम मैं इंटरव्यूज के लिए कैसे अप्लाई करूँ? ओके, अप्लाई करने से पहले अपना हाइट भी जानना जरूरी है कि हमारी हाइट रिक्वायरमेंट क्या है. सो हाइट रिक्वायरमेंट गाइज मिनिमम है, दैट इज 155 सेंटीमीटर फॉर द गर्ल्स एंड 170 सेंटीमीटर फॉर द बॉयज. और गाइज अगर आप मुझे बात करो कि क्या मुझसे ज्यादा है तो चल जाएगा, इससे कम है तो चल जाएगा, ज्यादा है तो चल जाएगा, बट कम है, एक भी इंच कम है तो नहीं चलेगा गाइज. दिस इज लाइक यू कांट आस्क कि इतना है तो, अगर मेरी खुद की होती ना, खुद की एयरलाइंस होती, पक्का मैं ले लेती, चाहे कितनी भी कम होती चलता मेरे को, बट हमारी खुद की एयरलाइंस नहीं है ना, तो यार फॉलो तो करना पड़ेगा, ठीक है? सो गाइज अगर मैं बात करूँ, अगर आपको ग्राउंड स्टफ के लिए अप्लाई करना है, ग्राउंड स्टफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज उनमें ज्यादा हाइट क्राइटेरिया नहीं होता है, और यू कैन अप्लाई फॉर द ग्राउंड स्टफ एज वेल. और रही बात लेंसेज आप लगाते हो या स्पेक्स लगाते हो, आप लगा के जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप ग्राउंड स्टफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो स्पेक्स लगाना इट्स लाइक ओके, दैट्स फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. बट कैबिन के अप्लाई करो तो लेंसेज लगा के जाने, ठीक है? सो अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है. यार मैं हूँ बन चुकी एकदम परफेक्ट, ठीक है? मैं हूँ जाने के लिए रेडी, अब मुझे ये बता दो कि कैसे जाना, कैसे ये तो बता दो यार, ठीक है? चलो ठीक है, रिलैक्स, मारने मतलब चलो, ये बता रही मैं. ओके, अगर मैं बात करूँ कि कैसे अप्लाई करना है, गाइस आपको ऑनलाइन जाना है, गूगल पे जाओ, गूगल पे टाइप करो किसी भी एयरलाइंस के लिए जॉब अप्लाई करो, फॉर एग्जाम्पल करियर्स डॉट, आप इंडिगो के लिए अप्लाई करो, एयर एशिया, स्पाइस जेट, जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो बस उसके आगे डालो करियर्स, डालो करियर डॉट इंडिगो, करियर डॉट स्पाइस जेट, करियर डॉट एयर एशिया. आप बस ये लाइन डालोगे गूगल पे, सबसे पहले जो आएगा उसका जो भी एयरलाइंस है उसका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा, उस पर जाके क्लिक करिए, उसमें आपका आ जाएगा जितने भी वैकेंसीज निकली होगी वो वैकेंसीज आ जाएगी, ठीक है? जॉब्स पे जाओ, उसमें वैकेंसी आएगी, ग्राउंड स्टाफ की, एओसी स्टाफ की है, या फिर कैबिन क्रू की, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, वो सारी जॉब आ जाएगी. आपको क्लिक किस पे करना है? इंजीनियर पे. नहीं, इंजीनियर पे नहीं करना, इंजीनियर नहीं बनना आपको, कैबिन क्रू बनना है, ठीक है? सो कैबिन क्रू बनना है, कैबिन क्रू पे जाना, उस पर क्लिक करना है, एंड देन उसकी डेट्स निकल जाएंगी कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं. सो गाइस अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे स्टेट के पास नहीं हो रहा, ठीक है, सो मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं ये नहीं बता सकती कौन से स्टेट में होगा और कौन से स्टेट में नहीं होगा, ठीक है? नाउ अब जो एयरलाइंस जिस हिसाब से निकाल रही है कि इस स्टेट में है, इधर है, और उसका एड्रेस भी दिया होता है साथ में, डेट दी होती है, एड्रेस दिया होता है, टाइम दिया होता है, वेन्यू सब दिया होता है, ठीक है? उसमें देखना है, ओ मेरा सिटी है दिल्ली, हाँ दिल्ली में, यहाँ मैं जाती, अरे यहाँ नहीं हो रहा यार, शिट मेरे को थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा, तो ट्रैवल करना है, ठीक है? ये नहीं है कि मैं बता नहीं सकती, बिकॉज डिपेंड करता है एयरलाइंस कहाँ कंडक्ट कर रही है, कौन सी एयरलाइंस में आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? सो आगे बढ़ते हैं. अगर गाइस इसमें प्रोसेस कंफ्यूजन हुआ है, समझ नहीं आया कैसे अप्लाई करना है, अभी भी समझ नहीं आया, बहुत जल्दी बोल गई यार मैडम मेरे को समझ नहीं आया, सो टेंशन मत लो. आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जाना है अपने मेन यूट्यूब पर टाइप करना है, यूट्यूब पर जाओ, ठीक है, टाइप करो उसमें कि हाउ टू अप्लाई फॉर अ कैबिन क्रू बाय मानसी यादव, बस वीडियो आ जाएगी यार, प्रॉपर वीडियो, हाँ, कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे डेट्स आएंगे, सब कुछ डाल रखा है मैंने, वो वीडियो मिल जाएगी आपको इजिली, ठीक है, डन. अब मैंने अप्लाई तो कर लिया, ठीक है, अब क्या होगा यार, ठीक है? अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया, वेल एंड गुड, यू आर सिलेक्टेड एज अ कैबिन क्रू. अगर नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कर देना, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, ठीक है? सो रिजेक्शन से बहुत कुछ सीखते हो, ठीक है? मेरा भी फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था यार, इट्स ओके, चल करो, ठीक है? ओके, कोई बात नहीं, एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, आई नो आप लोगों का हो जाएगा. ओके, नाउ आई एम ऑलवेज अ कैबिन क्रू, ठीक है? अब मैं कैबिन क्रू बन चुकी हूँ,
अब आगे क्या, ठीक है, अब बेटा आपको पढ़ना भी जरूरी है, बिकॉज मैंने सोचा था अब तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कैबिन क्रू बन गए, नहीं कैबिन क्रू नहीं बने हम, अभी उससे पहले पढ़ना है कैबिन क्रू बनने के लिए, आपने सिर्फ इंटरव्यू क्लियर करा, नाउ यू हैव 3 months ट्रेनिंग। मैंने जो सपने तक भी नहीं सोचा था कि आई हैव टू स्टडी फॉर दिस मेकअप, नो, मेरे साथ ग्लैमर लाइफ है, ट्रैवल करना है, बस शॉपिंग करनी है, नहीं, पर मुझे बहुत पढ़ना पड़ा था गाइस, दिस इज अ रियलिटी, यू हैव टू नो दैट, मतलब ये होटल में कोई ऐसे नहीं मिल जाते, आपको इसके लिए पढ़ना पड़ता है बहुत ज्यादा, वो भी 100 में से 90 मार्क्स तो पास ही मार्क्स है, जो ये 90 मार्क्स हमारे स्कूल में ना ऐसे भाई बेस्ट टॉपर बंदे को मिलते थे, वो क्या पास है। मैं ऐसे हो गई थी, मैंने कहा शिट मम्मी मेरे से तो लगता हूँ का नहीं, पर मैंने ना किया, मैं जिंद्रा जैसे पढ़ी हूँ ना, मेरी मम्मी कहती बेटा आईएएस बन जाओगे, कैबिन क्रू तो क्या ही कर रहे हो, इतना पढ़ना पड़ता है, मेरे माँ बाप ऐसे शौक से लगे थे वाओ मेरी बेटी इतनी पढ़ने लगी है और वो इतना कुछ सीख रही है। एंड गाइस ऐसा नहीं है कि आपको ना कुछ भी नहीं ऐसा ऐसी पढ़ाएंगे, नो, यू विल बी ट्रेन फॉर फर्स्ट एड, योर यू नो इमरजेंसी के टाइम पे एवरीथिंग यू आर गोइंग टू लर्न, ठीक है। सो भाई बहुत बढ़िया होगी ट्रेनिंग, एक नंबर होगी, और आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे बिकॉज मेरे पेरेंट्स तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं मेरे को। और रही बात आपकी दूसरी बना दी, ओके, नाउ हमें ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, और अगर क्लियर नहीं कर पाते गाइज आपको वापस आके पैसे जो होते रिफंड नहीं होते, और आपको वापस से अप्लाई करना पड़ता है फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू डेट। यस, दिस इज पीपल डोंट नो दिस, तो आपको ये भी पता करना पड़ेगा, तो प्लीज पढ़ लेना, ठीक है, थोड़े दिन की बात है, पढ़ लेना ध्यान से, अच्छे से पढ़ना और एग्जाम अच्छे से देना, फिर तो भाई ऐश और आराम ही है पूरी जिंदगी पूरी लाइफ, ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूँ 12th के बाद सबसे बड़ी जॉब ये है कि इसमें आपको 12th क्लियर करते ही यू आर गोइंग टू गेट मोर देन यू नो 40-50,000 को मिलते सैलरी, और उससे ज़्यादा अगर पढ़ते रहोगे इसमें पढ़ाई होती है, एग्जाम दो आप, उससे प्रमोशन मिलेगा आपको, ऑलमोस्ट इंडिया में भी आप इंटरनेशनल फ्लाई करते हो गाइस, सो इंडिया ने ऐसा नहीं बाहर जाके इंटरनेशनल फ्लाई करते हो, यहाँ तो मिलते ही नहीं यार, हाँ, पर नहीं यहाँ पर भी आप इंटरनेशनल फ्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी डेस्टिनेशन फ्लाई करे, आई एम सो हैप्पी फॉर दैट, और अभी भी मैं चंडीगढ़ में हूँ। सो आगे बात करें, कैबिन क्रू बन गए यार, अब तो सैलरी की तो बात कर लो यार, और क्या क्या कंपनी प्रोवाइड करती है। सो गाइस कंपनी प्रोवाइड करती है आपको सैलरी तो प्रोवाइड करेगी करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। अगर सेकंड चीज बात करूँ मैं, सैलरी आपको डिपेंड करता है आप कितना ज्यादा फ्लाई कर रहे हो, आप हर मंथ नो रोस्टर आता है, टीम होती है और रोस्टर आपको देती है, ठीक है, आपको डिसाइड होता है कि आप यहाँ जाओगे इतना डे आप फ्लाई कर रहे हो, आपका रेस्ट पीरियड भी डिसाइडेड होते हैं कि आपको कितना रेस्ट मिलेगा, 8-9 वाली जॉब नहीं है, यू नो आपको प्रॉपर ऐसा फिक्स जॉब है, इट्स जस्ट कि आपका टाइमिंग होता है जाने का आने का, और रेस्ट टाइमिंग्स भी डिपेंड करते हैं आप, बिकॉज क्रू लाइफ में रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, कितना फ्लाई करोगे यार, रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, सो आपको मिलता है सैलरी, उस पर डिपेंड करता है सैलरी यार, डिपेंड करती है कौन सी एयरलाइंस के लिए आप काम कर रहे हो, साथ साथ आपको होता है कि एटलीस्ट आपको जितना फ्लाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है, और अप्रॉक्स में आपको आइडिया दो 40-50,000 आपको अप्रॉक्स मिल जाता है, एंड अगर आप ज्यादा फ्लाई करोगे तो आपसे ज्यादा ही मिल सकता है, ओके। अब नाउ इफ आई टॉक अबाउट की सैलरी तो मिल गई यार, अब और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो बता दो, मेरे को तो खुशी हो रही है, बताओ, ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो आपको मिलता है गाइस फ्री टिकट्स मिलती है, और गाइस फ्री का मतलब ये नहीं ओ भाई फ्री, मैं तो भाई अपने दोस्त को भी लेके जाऊंगी, ये भी लेके जाऊंगी, नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने भी ऐसा सोचा पर नहीं होता ऐसा, ठीक है। सो होता क्या है, आपको ना बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट मिलती है फ्री की टिकट्स, ऐसा नहीं प्रॉपर फ्री मिलता है, टैक्सेस थोड़े से पे करने पड़ते हैं, जो टैक्सेस होते हैं ओनली यू हैव टू पे टैक्सेस, और ये नहीं चिंटू को बुला लो मिंटू को बुला लो उसको बुला लो, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको अपने सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लड रिलेशन जो है अपनी फैमिली में उनको ही आपको टिकट्स आप दे सकते हो, या उन्हीं को ही नॉमिनीज आप ले सकते हो कंपनी के अंदर। सो फिर ऐसा होता है फ्री टिकट्स का ये प्रोसीजर है, और आगे जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो प्रोवाइड करती है गाइस होटल जो आप देख रहे हो, ठीक है। सो आई कैन शो यू दिस, दिस इज द होटल, एंड आप जब भी लेआउट पे जाते हो यू गेट होटल, और दिस इज वेरी सेफ इंडस्ट्रियर इफ यू वॉन्ट टू वर्क, एंड आई एम इंजॉइंग दिस, आई मीन जस्ट लविंग दिस। सो आप और बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाले पूरा वर्ल्ड एटलीस्ट, एंड आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, यू नो जो भी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू माई क्यूटीज आउट देयर, एंड आई रियली रियली लव यू, एंड यू आर माई लाइफ, थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू, एंड आई एम ऑलवेज ऑलवेज देयर फॉर यू टिल यू रीच ऑल योर ड्रीम्स, ठीक है। जब तक कैबिन क्रू ना बन जाओ तब तक मैं आपके साथ हमेशा हमेशा हूँ, एंड
जब ही पीछे मुड़ के देखोगे ना मुझे जरूर पाओगे कि यस, अरे यहाँ पर मेरे को पता है ठीक है, बिकॉज मैं उस जर्नी से निकली हुई हूँ. आई नो ईच एंड एवरीथिंग एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. ठीक है, सो गाइस, और ये बात करूं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है या नहीं, सो गाइस दिस इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है, तो किसी पैसे देने पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, सो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और शेयर जरूर करना वीडियो को यार, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, सो दैट अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, सो दैट हम फैमिली को इंक्रीज करें, सो दैट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. पहुंचना इंपॉर्टेंट है यार, नॉलेज है तो शेयर करो, मेरा ओपिनियन ये है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करो. टिल देन गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव.